रॉब का पगड़ी बहुत पहले ही उछल गया सत्ता के अवसरवादी मोल भाव में। जी हाँ, अट्ठास तो मिमियाने में बदल गया। जी हाँ, और ये कटाक्ष किया है बिहार की विधानसभा में तेजस्वी यादव ने, और समझ ही गए होंगे कि सत्ता की पगड़ी किसकी उछली है। जी हाँ, सम्राट चौधरी को उन्होंने कुछ इसी अंदाज में कहा। उन्होंने कहा कि सम्राट जी, जिस पगड़ी के ऊपर आपको गरूर था वो तो कब की उछल गई उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, सत्ता के अवसरवादी तरीकों पर। सुनवाते हैं तेजस्वी यादव का वो भाषण आपको, जो उन्होंने विश्वास मत के दिन दिया था और किस तरीके से अपने शब्दों के बाण से सम्राट चौधरी की पगड़ी को उछाल रहे थे। सम्राट चौधरी की पगड़ी पहनते फालतू अगर आप पहनते हैं उतारने का बात करते हैं, इस आपको फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय, अब बांध लीजिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, आप खोलिएगा। अरे हम कोई गलत बात नहीं है, सुन लो यार नवीन जी, सुनिए ना, पथ निर्माण मिल जाए बहुत कृपा होगी, आप आगे काम कीजिएगा, बैठिए ना। हमें विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजेंद्र जी बैठे हैं यहाँ, हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर सलाह दी होगी सम्राट चौधरी जी को पगड़ी उतार लो। दिए कि नहीं दिए? आप तो हमको सलाह देते थे, हमको पता है आपके मन में भी पीड़ा है, दर्द है, लेकिन आप एकदम अपने नेता के साथ जो निर्णय है उसी में लेते हैं। लेकिन नेता तो निर्णय लेते हैं, साथ देना चाहिए, लेकिन कभी कोई सलाह और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत निर्णय ना हो, इससे नेता का ही नुकसान होगा, इससे नेता का ही नुकसान होगा। तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी। अभी सम्राट चौधरी जी क्या क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है वो हम यहाँ नहीं बताना चाहते। आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है। सुना आपने तेजस्वी यादव को, शब्दों के बाण से वो चोट दे रहे थे भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। उन्होंने कहा कि अब सत्ता के फेविकॉल से कोई जबरदस्ती कदमों पर गिर चुकी पगड़ी को अपने झुके हुए माथे पर कब तक बांध कर रखेंगे, कितनी बड़ी बात। लोग कहते हैं तेजस्वी यादव बच्चा है बच्चा है, लेकिन कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि ये पगड़ी जो है, जो सत्ता के फेविकोल से आपने चिपका ली, उसे अपने झुके हुए माथे पर कब तक बांध कर रखेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या जब पगड़ी का सवाल हम किसी दिन पूछेंगे सम्राट चौधरी से तो इस पर वो क्या जवाब देते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।